सहना और कुछ न कहना, ये तो गलत है मेरी प्यारी बहना। औरत के हक में कानून बने हैं, सब पर है लागू जितने भी जने हैं। सहते 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 भी रहेगी मान, सुनाएगी ही नहीं तो सुनेगा कौन। इसलिए बोल बसंतो, जरा मुंह खोल बसंतो, बात को तोल बसंतो, बसंतो बोल बसंतो। मुझे तो लगता है था ही नहीं कटोरदान। बसंतो देख ले, ध्यान से देख ले। कैसे नहीं था कटोरदान, मुझे अच्छी तरह याद है, जब इनके घर गई थी तब तो था कटोरदान। कह दिया ना, तेरी टोकरी में कोई कटोरदान नहीं था, हमने सिर्फ ये दो थालियां ली हैं और बदले में ये साड़ियां दी हैं, समझी? इनके बदले दो थाली और एक कटोरदान नहीं दे सकती, सबसे महंगा तो वो कटोरदान ही था और उसके अंदर 10 दिन की कमाई रखी थी मेरी। अरे 300 रुपए थे उसके अंदर। तो हमने चुरा लिया क्या, छोटा बताती है हमको। हम बसंतो ने क्या कही कोई ऐसी वैसी बात? अरे बीबी जी देख लो, देख लो, वही होगा मेरा कटोरदान। कह दिया ना, नहीं है हमारे यहाँ कोई कटोरदान। ए, यहाँ अगर शोर शराबा करेगी तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। देख रहे हो लोगो, एक तो कटोरदान रख लिया, ऊपर से पुलिस की धमकियां दे रहे हैं। मैं जाऊंगी पुलिस में, बसंतो नाम है मेरा, रपट लिखवाऊंगी तेरी। हाँ हाँ, पुलिस में तो तेरे ताऊ चाचा बैठे हैं ना, उल्टा तुझी को पकड़ के अंदर कर देंगे। कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे भाई, कोई कसूर होगा तभी तो करेंगे। वैसे कानून सब पे लागू होता है, समझे? बड़े से बड़ा कोई नेता हो चाहे कोई सुपरस्टार हीरो, कानून लागू होने पे हर कोई अंदर हो सकता है। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, तेरे घर के सामने बैठी रहूंगी जब तक मेरा कटोरदान नहीं मिल जाता, मेरे रुपए नहीं मिल जाते। चलती बन यहाँ से और ये कपड़े ही छोड़ दे, ले अपनी थालियाँ। पुलिस में रपट लिखाएंगे, क्या मैं नहीं जा सकती पुलिस में? पर आजकल पुलिस सुनती ही कहाँ है, कोई कायदा कानून है ही नहीं। मार लो मेरे पैसे बेईमानो, गरीबों को सता लो, कोई कायदा कानून नहीं है यहाँ पर। देखा तो था कटोरदान मैंने ज्योति। चलो हमें क्या मतलब। बसंतो, भाई थाली तो तेरी बर्बाद हो गई और कमाई भी गई है। जाओ जाओ बाबूजी, अपना काम करो, एक तो बखत वैसे ही खराब है, तुम और खोटा मत करो। रुक 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 रुक, कहे ये हो गए पूरे 30। क्या मतलब भाई? वो 10 दिन की कमाई तूने 300 रुपए बताई ना, तो एक दिन के कितने हुए? 30 रुपए। देख इतने तो मेरे पास हैं, और भी हो सकते हैं, पर इन्हें तो रख ले, रख ले, रख ले। क्या रख ले? पर क्या है कि मुझे तुझे कुछ बताना है, कुछ समझाना है तुझे। रख ले, रख ले, 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 रख ले, रख ले, रख ले। बड़े अजीब इंसान हो। हाँ अजीब हूँ लेकिन इंसान तो हूँ। लेकिन तुम जो कह रही थी कि कानून नहीं है, कानून नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। कैसा नहीं है? यही कि कोई कायदा कानून नहीं होता, वैसा नहीं है। कानून है, कानून है, कानून होता है। अरे बाबूजी, तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये लो पकड़ो अपने पैसे, मैं चली। सुनो 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 सुनो, देखो
हर समाज अपना इंतजाम ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम बनाता है, जिनका पालन करना उस समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी होता है। जो इनका पालन नहीं करते उनको सजा मिलती है, समझी? इसी को कानून कहते हैं। ये समझाओ उसे जिसने मेरा कठोर दान रख लिया है। कोई कानून नहीं है, कहीं भी नहीं है। लो रख ले, रख ले, रख ले। कानून होता है, कानून इसी हवा में घुला हुआ है, इसी हवा में, हमारे खून में। मुझे क्यों समझा रहे हो, मुझे क्या मतलब है कानून से? जैसे कि इस देह में खून है, वैसे ही जीवन में कानून है। जैसे कि इस देह में खून है, वैसे ही जीवन में कानून है। छोटा बड़ा कोई, अनपढ़ पढ़ा कोई, सबको है एक समान ये। निर्धन धनी कोई, बन्ना बनी कोई, सब पे तनी है कमान ये। ये हो तो रहता है चैनो अमन, इसकी वजह से ही सुकून है। जैसे कि इस देह में खून है, वैसे ही जीवन में कानून है। कानून होते हैं समाज के नियम, और जितने भी नियम होते हैं ना उनके अलग अलग नाम रख देते हैं। फलाना अधिनियम, ढिकाना अधिनियम, हर अधिनियम में नंबर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई सारी बातें लिखी रहती हैं। नंबर कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि वो आदमी 420 है, क्या मतलब हुआ इसका? धोखेबाज है। हाँ, धोखा देना एक अपराध है, तो अपराधों और उनके दंड का जो कानून है उसके 420वें नंबर पर धोखे की सजा लिखी हुई, इसीलिए धोखेबाज को 420 कहते हैं। दफा 302 सुनिए कभी। कोई कत्ल कर दे तो? हाँ, ये आईपीसी यानी अपराधों की किताब का 302 नंबर का नियम है, जो किसी का खून करने पर लागू होता है, समझी? कुछ 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 देख, हजारों लाखों लोग रोजाना अपना अपना घर छोड़ के काम पे जाते हैं। क्या सोच के जाते? यही सोच के जाते हैं ना कि शाम को जब वापस घर आएंगे तो उन्हें उनका घर सही सलामत मिलेगा, कोई अजनबी पीछे से जबरदस्ती उस पर कब्जा नहीं कर लेगा। क्यों? क्योंकि देश में कोई कानून लागू है, और जहां काम पे जाते हैं वहां ये सोच के जाते हैं इस भरोसे के साथ कि महीना पूरा होने पे उनको तनख्वाह मिलेगी। क्यों? क्योंकि कानून ऐसा कहता है। अच्छा जी, सबकी सुरक्षा का, चीजों की रक्षा का देता है जीवन का ज्ञान ये। हर गांव रहता है, हर ठाव रहता है दुनिया जहान ये। हमको बचाता है ये इस तरह, सर्दी में जैसे गर्म ऊन है। जैसे कि इस देह में खून है, वैसे ही जीवन में कानून है। वाह बाबूजी, बहुत पहुंचे हुए आदमी हो तुम, मान गई मैं। वो क्या था? अधिनियम। अधिनियम भी रखो अपनी जेब में, और ये पैसे भी रखो अपनी जेब में। फिर वही बात, बंद कर मुट्ठी और पैसे जहां भी रखती है रख ले। बाबूजी, तुम अगर घर पे होते ना तो मिठाई खिलाती तुम्हें। भाई साहब, दो काम हैं आपसे। दो काम? अजी, दो नहीं, चार करेंगे, मगर काम क्या है ये तो बताओगे बाबूजी? नहीं, दो ही काम है। पहला काम तो ये कि 200 ग्राम जलेबी दे दीजिए, और दूसरा काम ये कि हमें ये बता दीजिए कि कानून क्या होता है। बड़ा इकट्ठी है तो। पूछता है कानून क्या होता है। ना, आप ऐसा कीजिए कि दूसरा काम पहले करिए और पहला काम बाद में। मैं आपसे जलेबी तब तक नहीं लूंगा जब तक आप ये नहीं बता देंगे कि कानून क्या होता है। हाँ भैया, आधा किलो जलेबी देना गरम। ना, पहले मेरा काम। भाई साहब, मना कर दीजिए इनको, मत लीजिए जलेबी। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मुझे बताएंगे कि कानून क्या होता है। हाँ तो भाई साहब बताइए कानून क्या होता है, बताइए। देखो भैया, पहले ये तराजू छोड़ दो। हम हैं गंवार आदमी, कानून क्या होता है हमें बिल्कुल नहीं पता। हम कोई चोरू चक्के तो है नहीं जो कभी कानून के चक्कर में पड़े हों। और फिर ये आपका ये तराजू पकड़ना कौन सा कानून है, बताएंगे? यही
मैं इनकी तराजू नहीं पकड़ सकता, मैं इनका कोई काम नहीं रोक सकता, लेकिन बताओ चूंकि तुमने वादा किया था। देखो भैया जी, अपने वादे के चक्कर में धंधा तो चौपट नहीं कर सकता ना मैं अपना। नहीं, धंधा क्यों चौपट हो तुम्हारा? तुम अपना धंधा चलाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। मेरा धंधा चौपट हो या ना हो, पर आप किसी की नाक जरूर चौपट कर देंगे। करते हैं कानून की बातें। माफ कीजिएगा, लगी तो नहीं आपके। हाँ, लेकिन इससे ये बात तय हो गई कि मेरा हाथ उठाने का अधिकार वहां खत्म हो जाता है जहां आपका अपनी नाक बचाने का शुरू हो जाता है। तो कर्तव्य और अधिकार ये सब कानून तय करता है। मेरा नाम सत्यव्रत। बाय द वे, आप ये बताएंगे कि कानून क्या होता है? बताइए बताइए, आप कानून से क्या समझते हैं? कानून यही होता है, वकील थाना, कोर्ट कचहरी। ना 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 ना, कानून सिर्फ कोर्ट कचहरी नहीं होता। भैया जी, जब आपको मालूम है तो फिर पूछते क्यों? इसे समझाने के लिए कि कानून सिर्फ चोर उचक्कों के लिए ही नहीं है, हम सब पे लागू होता है। तुम कम नहीं तोल सकते, मैं बिना पैसे दिए नहीं खरीद सकता, बस इसी में हो गया कानून लागू। भैया जी ऐसी बात है, आप इसे बिना पैसे ले जाइए। ना ना ना, मैं पैसे देके ही लूंगा, क्योंकि जलेबी खरीदने और बेचने का भी कानून है। लो भैया, आप तो चलो। वैसे आप करते क्या हैं? वैसे आप करते क्या हैं? मैं उसे क्या बताता कि मैं क्या करता हूं? वैसे तुम जो भी हो, आदमी बहुत पहुंचे हुए हो, लेकिन एक बात बताओ, एक कानून के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि हम हर वक्त कानून के दायरे में बंधे रहते हैं। ये जो कानून है ना, इसे हम ही बनाते हैं, हम ही चलाते हैं और हम ही बदल देते हैं। अजी हाँ, हमने कहाँ से बना लिए कानून? हमने से मतलब है हमारे प्रतिनिधियों ने बनाए। देख, हम लोग वोट डालते हैं ना, वोट डालते हैं। तू वोट डालती है कि नहीं? डालती है ना? हाँ, मैं गई थी वोट डालने, उंगली पे स्याही लगवाई, उस आदमी ने ठप्पा लगवा के कहा जा तेरा काम हो गया। मैंने आंख निकाल के उसे घूरा, क्या बोला? मेरा आदमी सुन लेता तो तेरा काम तमाम कर देता। हाँ, ठप्पा लगा दिया, उंगली पे स्याही लगवा ली, लेकिन मतलब भी समझा इसका? देख, हम वोट डाल के अपने बीच से अपने विश्वास का एक आदमी चुनते हैं, उसे एमपी या एमएलए बना देते हैं। एमपी जा बैठते हैं संसद में और एमएलए विधानसभा में। संसद और विधानसभा पूरे देश के लिए कानून बनाती है। फिर तो संसद कोई भी कानून बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। वाजी वाह। नहीं 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 नहीं, संसद ऐसे वैसे कोई कानून नहीं बना सकती, संविधान के दायरे में रह के ही कानून बना सकती है। संविधान? संविधान क्या हुआ? जीने का रास्ता है, नियमों का बस्ता है, हर मुल्क का मानो प्राण है। कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके लिए संविधान है। ये संविधान होता है क्या, कानूनों का भी ये कानून है। जैसे कि इस देह में खून है, वैसे ही जीवन में कानून है। कानूनों का कानून? हाँ, कानून बनाते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, लेकिन संविधान के हिसाब से। संविधान है एक किताब जिसमें लिखे रहते हैं हमारे देश, हमारे समाज के मूलभूत नियम। भूत? ओहो, बात को समझो, मतलब बुनियादी नियम जो संसद और सरकार पर भी लागू होते हैं। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान की कसौटी पर खरा ना उतरे। क्या मतलब? जैसे सोना परखते हैं कि नहीं, कसौटी पे घिस के देखते हैं कि खरा है या नहीं है, उसी तरह से कानून को संविधान की कसौटी पे रख के देखते हैं। देख लिया, सब देख लिया, कानून हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? सोचो अगर दुनिया में कानून न होता जी, सोचो अगर दुनिया में कानून न होता जी, तो क्या होता, तो क्या होता, फिर क्या होता जी, बोलो फिर क्या होता जी। कोई न किसी से भी डरता, जो मन में आता सो करता, अपराध किया करता जो भी वो दंड नहीं उसका भरता, अपराधी तो खुलकर हंसता सच्चा रोता जी। सोचो अगर दुनिया में कानून न होता जी, कानून
सुंदर नगरी चौपट राजा भाजी टके शेर खाजा सम्मान चोर का माला से साधु का बजा दिया बाजा सूली टांग दिया उसको सन्यासी जो था जी सोचो अगर दुनिया में कानून न होता जी सोचो अगर दुनिया में कानून न होता जी तो क्या होता फिर क्या होता जी बोलो फिर क्या होता जी वैसे तुम हो बड़ी ऊंची चीज कितनी बार कहेगी इस बात को हैं अच्छा ये बताओ तुम हो कौन हाँ ये पैसे तो ले लो रख ले रख ले रख ले मैं कौन हूँ बताता हूँ चल ये हूँ मैं ये हूँ सत्यव्रत श्रीवास्तव एडवोकेट वकील आजा रख ले रख ले यहाँ मेरा दफ्तर है ये आ जा हाँ भाई इरफान ये इरफान है वो ऐनी है दोनों युवा वकील मेरे सहयोगी तुम वकील हो कोर्ट जाते हो और दूसरों से पूछते हो कानून क्या है बड़ी अजीब बात है हाँ वकील हूँ कोर्ट भी जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ इसलिए क्योंकि उन्हें बताना चाहता हूँ कोर्ट में जाके मैंने सीखा कि कानूनों के जरिए अपने न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है लेकिन अगर तुम्हें अपने कानूनों के बारे में पता ही नहीं होगा ज्ञान ही नहीं होगा तो न्याय ढूंढने के लिए निकलोगे ही नहीं बैठ बैठ हाँ एक बड़ा एडवोकेट माना जाता हूँ फिर भी कोर्ट में जाके धंधा नहीं करता है क्योंकि सत्य के लिए लड़ता है वकील सत्यव्रत श्रीवास्तव धंधा क्यों नहीं करता वकील सत्यव्रत श्रीवास्तव क्यों नहीं करता है क्योंकि वो कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों का साथ नहीं देना चाहता वो चाहता है कि लोग कोर्ट में कचहरी में जाके धक्के न खाएं देखो अगर तुम्हें ये मालूम चल जाएगा कि ये कानून है तो बहुत सारे मसले बहुत सारे झगड़े बाहर ही खत्म हो सकते हैं तू अगर ये बात मानती है कि तेरे पास कठोरदान था तो तुझे पुलिस थाने में जाना चाहिए था पुलिस में मेरे कोई ताऊ चाचा बैठे हैं सुना नहीं था आपने लेकिन अगर तू अपने साथ दो चार लोगों को लेके जाती वहां बताती कि मेरे पास कठोरदान था जो चोरी हो गया पैसे चोरी हो गए तो होती सुनवाई क्यों नहीं होती जाती तो सही ये आपके पैसे वापस देख मेरी वजह से तेरी दिन भर की मजदूरी मारी गई दिहाड़ी मारी गई रख ले रख ले रख ले रख ले आपसे जो मुझे ज्ञान मिला किसी और से सीखती तो दक्षिणा तो देनी ही पड़ती ना तेरा ही जानना जरूरी नहीं है सबका जानना जरूरी है कानून के बारे में समाज को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार कुछ नियम बनाती है इन नियमों को कानून कहते हैं जरूरत पड़ने पर इन कानूनों को समय समय पर बदला भी जा सकता है सामाजिक जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग कानून हैं। कानून बनाने वाली सरकार को हम लोग ही वोट देकर चुनते हैं ताकि जो भी कानून बने हमारी भलाई के लिए बने सरकार भी संविधान के अनुसार ही कानून बना सकती है और जैसा कि बताया गया संविधान देश का मूल कानून है इस मूल कानून के सिद्धांत एक किताब में लिखे हुए हैं इसी किताब को संविधान कहते हैं कानून सब पर लागू होते हैं अमीर गरीब स्त्री पुरुष अफसर पुलिस नेता अभिनेता अध्यापक दुकानदार और यहाँ तक कि कानून बनाने वाली सरकार पर भी कानून लागू होते हैं अगर सरकार संविधान के दायरे से निकलकर गलत कानून बनाए तो नागरिक न्यायालय में उसके खिलाफ अर्जी दे सकते हैं बसंत तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तू चीज़ों को जल्दी समझ जाती है ये कानून है एक बहुत बड़ी छतरी की तरह जिसके नीचे पूरा समाज रहता है जैसे छतरी धूप से पानी से हमारे शरीर की रक्षा करती है उसी तरह से ये बहुत बड़ी छतरी कानून की नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है लेकिन इस छतरी के नीचे रहने वाले हर किसी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूसरे लोग भी इसी छतरी के नीचे रहते हैं तो दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है अरे बसंतो हाँ बाबूजी
वो सुबह सब झमेला हो गया और तू उधर से निकली कि तेरा कठोर दान मिल गया। और वो अपना बिट्टू है ना 3 साल का, बड़ा नटखट है, वो तुम्हारे टोकरे में से कब निकाल के ले गया हमें पता ही नहीं चला। घर से ले जाना है और उसमें तुम्हारे 300 रुपए भी हैं, ठीक है? ठीक है बाबूजी। देखा बसंत, मेरा मानना आज भी ये है कि हमारे मुल्क में 1000 में से 999 आदमी कानून की कद्र करते हैं। ये आदमी कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। अगर इसके ऊपर कानून की पाबंदी नहीं होती तो ये रखकर माल दूसरों का खुद चैन से सोता जी। अरे सोचो अगर दुनिया में कानून न होता जी, सोचो अगर दुनिया में कानून न होता जी, तो क्या होता, तो क्या होता, फिर क्या होता जी।